हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मुकेश यादव आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन भंडारण के बारे में कि लहसुन भंडारण कैसे करते हैं और क्या सही तरीका है और कैसे हम इसमें लहसुन को जो है भंडारण करके अधिक से अधिक समय तक हम लहसुन को भंडारण कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको। लहसुन के भंडारण के बारे में जानकारी पूरी विस्तार से करने वाला हूं इस वीडियो में। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आपसे जो पहली बार मेरे मित्र जो मेरे दर्शक इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा एक बार पुनः स्वागत है और निवेदन है कि आप जो हमारा नीचे एक सब्सक्राइब लिखा है उस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नॉलेजफुल वीडियो और कृषि संबंधी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और सही से जानकारी आप देख सके। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी कृषि से जो भी जुड़ी जानकारियां मिल जाए और ऊपर आल वाली बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जो बेल आइकन आती है ऊपर जो आल लिखी हुई बेल आइकन। मित्रों, पहले क्या होता था कि YouTube पर एक ही घंटी आती थी यानी कि एक ही बेल आइकन आती थी। अब हो क्या रहा है कि तीन घंटियां आ रही है, उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सी घंटी को दबाएं ताकि हमें नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई नोटिफिकेशन हमने आपका जो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, समय समय पर आप वीडियो नहीं डालते हो। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं हर हफ्ते में एक वीडियो डाल ही देता हूँ इस YouTube चैनल पर, चाहे कृषि संबंधी हो या मनोरंजन संबंधी हो। तो मित्रों, आपने जिन भाइयों ने मेरे दर्शकों ने जो भी जो बेल आइकन होती है ऊपर वाली आल लिखी हुई डबल है वो आपने दबा कर नहीं रखी है इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जो है कि जल्दी से जल्दी उस बेल आइकन को आप ऊपर वाली आल के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चैनल के मिल सके। तो बिना किसी देरी के मित्रों हम शुरू कर लेते हैं लहसुन का जो है हम किस प्रकार से को आप शेयर कीजिएगा अपने किसान दोस्तों को ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके। तो शुरू कर लेता हूँ वीडियो, तो चलते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जब भी हम लहसुन जब अपने खेत से निकाल लेते हैं, हाथों से निकालते हैं या कल्टीवेटर के द्वारा निकालते हैं, काफ़ी किसान भाई कल्टीवेटर से भी अपनी जो है लहसुन की फसल को निकालते हैं, उसमें मजदूर की थोड़ी सहायता हो जाती है। तो मित्रों, जब भी हम खेत से अपनी लहसुन निकालते हैं तो उसे जब भी हम निकालते हैं उस समय जब लहसुन का जो है इस प्रकार की गांठ बांध देनी होती है, प्रत्येक कंद को जो है बीन कर उसी कंद की जो रहती है उसी से हम इस को बांध देते हैं यानी कि पूला बना देते हैं। हमारे मालवा भाषा में बोला जाए पुला भी मान सकते हैं या फिर गांठ बांध सकते हैं इस प्रकार की। तो प्रत्येक कंद को बीन कर इस प्रकार की उसी जो ये रहती है लहसुन की रस्सी बना लेते हैं, इसी जो गीली रहती है तो उसी से हम इसको बांध कर यहाँ से बांधने के बाद में उसे एक या दो दिन की धूप जो है खेत में ही इसी प्रकार से खड़ी करके ऐसे पूले को खड़े करके रखना होता है। मित्रों, होता क्या है कि जब ऐसा खड़ा पुला हम जब जो ऐसे रख देते हैं तो यहाँ से जो है इसका जो ऊपर वाला सिरा जो रहता है पत्ते यानी कि इसका जो पौधा रहता है वह सूख जाता है और सूखने के बाद इसमें से नमी चली जाती है और नमी चले जाने के बाद में कुछ जो कंद रहते हैं ये भी थोड़े सूख जाते हैं। ज़्यादा नहीं सुखाना चाहिए, एक दो दिन इस विधि से हम इसको खेत में रख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के जो है हम सुखाने के बाद में जब हम इसका स्टोरेज करते हैं या फिर भंडारण करते हैं तो मित्रों यह जब सूख जाए तो हमारे जो प्रत्येक जो कंद है इसको जमा कर छांव में रख देना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का आप देख रहे हैं कि छांव में यह जमा कर रखी हुई है। दोस्तों, यह दोनों साइड जो है कंद बाहर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जब ये कंद हमारा है तो इसको भी जो बाहर
कर दिया गया है, इस कंद को भी जो है बाहर कर दिया गया है। तो प्रत्येक कंद को जो है बाहर रखना होता है छांव में। आप छांव में रख सकते हैं जहां पर अच्छी, जैसे कि यहां पर मैंने पेड़ के नीचे रखा हुआ है, पेड़ की काफी छांव है और छांव के साथ साथ यहां हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो प्रत्येक कंद जो है इसको हवा मिल रही है और प्राकृतिक हवा मिल रही है, तो इससे कंद क्या है कि खराब नहीं होगा और ठंडा भी रहेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ जो है कंद को बाहर किया गया है और जो पौधे का जो सिरा है वह अंदर रखा गया है, ताकि इस प्रकार से जो है कंद को हवा, प्रत्येक कंद को हवा मिल सके। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है भंडारण हम कर सकते हैं। और मित्रों ये पेड़ के नीचे किया गया छांव में हवा हवा मिलती है अच्छे से, और आप यही विधि हम जब घर में भी कर सकते हैं, या फिर कोई हमने इस प्रकार का हाउस बना कर रखा है लंबा अच्छा, तो हर उसमें भी इसी प्रकार से स्टेप बाय हम जमा कर इस प्रकार से रख सकते हैं। और फैन जो रहते हैं हमारे, फैन पंखे जो रहते हैं, उनके द्वारा हम जो हवा दे सकते हैं। तो मित्रों होता क्या है कि जब हमारा कंद जो है यह इसके जो पौधे से अलग नहीं होता है, तो इसकी जो है क्षमता काफ़ी दिनों तक टिकने की रहती है। यह प्रत्येक इसमें जो कलियां रहती है वह मरती नहीं है, लुच नहीं होती है। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो लहसुन का जो कंद रहता है, अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं और इसमें कट्टे भर देते हैं, तो कट्टे के बजाय जो ये विधि है, यह विधि काफ़ी समय तक आपको जो है लहसुन को जो है सुरक्षित रखने में और इसकी मजबूत रखने में काफ़ी अच्छी मदद करती है। तो मित्रों इस प्रकार से हम जो हाउस जो रहते हैं, हमारे मकान रहते हैं, लंबे हाल रहते हैं, उसमें भी इस प्रकार की जमा कर ऐसी कंद का जो है बाहर सिरा दोनों तरफ और जो अपने पौधे का रहता है वो अंदर रख के सुखाने के बाद में इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक, मतलब मेरे हिसाब से 6-7-8 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके कंद में नहीं आती है, सिर्फ यह जो मिट्टी रहती है यह जड़ों से हटा दीजिएगा, यह जो है थोड़ी नमी में निकाली गई है और कल्टीवेटर से निकली गई है, तो इस कारण जो है इसकी मिट्टी जो है कंद से अलग नहीं हो सकी। तो मित्रों यह इस प्रकार का जो तरीका है आप छांव में भी रख सकते हो बाहर, और अगर आप छांव की व्यवस्था नहीं है बाहर, अगर अपनी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हाउस के अंदर मकान के अंदर भी हम ऐसा रख सकते हैं और फैन जो है चालू करके पंखों से हम हवा दे सकते हैं। तो मित्रों यह काफ़ी अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीका है लहसुन भंडारण का। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।